हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा दी साइड। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन और आप सब लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो अभी हम पूजा करने वाले पहले घर में, और आज मेरे साथ है सुभी और हम आज मंदिर भी जाने वाले, अभी पूजा भी करने वाले, बहुत सारी चीज़ें। सो आप बिना ब्लॉग को स्किप करें, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और सो बिना स्किप करें वीडियो को एंड तक देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज मेरे पास आपके लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्टैमियो नेचुरल वैक्स पाउडर, और जो दोनों मैन एंड वुमेन के लिए। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको वुमेन यूज़ कर सकती है, मैन यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए है। और अगर जो लोग जिनको नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, केमिकल से फ्री होना चाहते हैं और नहीं चाहते यूज़ करने के बाद कोई साइड इफेक्ट हो, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी इजी टू यूज़ गाइज, लिटरली। और ये बहुत ज़्यादा पेनलेस फ्री है, इंस्टेंट हेयर रिमूवल होगा इससे, और अल्कोहल फ्री है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, मैन एंड वुमेन के लिए। सो कोई इसमें इशू नहीं है और नेचुरल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसमें आपको कैसे से यूज़ करना है, थोड़ी क्वांटिटी में आपको इसका प्रोडक्ट लेना है, उसे पानी में मिक्स करके वेल अच्छे से उसको पेस्ट सा बनाना है, जैसे मैं अभी बना रही हूँ वीडियो में। सिर्फ ऐसी थोड़ा सा इसमें आपको जहाँ भी आपकी हेयर है आपको रिमूव करना चाहते हैं वहाँ पे आप बस इसको अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए कि ये अच्छे से रिमूव हो जाए। और इसको 7 to 10 मिनट्स के लिए बस इसमें रखना है और आपको मैजिक दिखेगा। आप देखिए, मैं खुश शॉक हो गई थी इसे देख के, जहाँ मैंने अप्लाई किया था वो प्रोडक्ट, वो मेरे हेयर सारे रिमूव हो चुके हैं और कोई पेन नहीं हुआ। दिस इज जस्ट अमेजिंग, लिटरली मैं तो शॉक हो गई देख के। माय गॉड गाइस, माय माइंड जस्ट ब्लो आउट आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। यू हैव ऑलरेडी सीन मैंने कैसे लगाया और किस तरीके से इसने मेरे हेयर जो है रिमूव कर दिया है, एंड आई मस्ट टेल यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट। और मैं तो आई फील मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको। इफ यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी गिवन दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बच जाइए वहाँ पे अमेजोन में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और ईजी फ्री बस लाइफ हो जाएगी आफ्टर दिस। सो येस गाइज, गो चेक इट आउट। इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा है आज मंदिर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने तो सिर्फ ये सोच के आए थे कि हम थोड़ा पूजा पाठ देख लेंगे, थोड़ा माता रानी का आशीर्वाद ले लेंगे फर्स्ट टाइम, बट यहाँ पे जो हो रहा है, माय गॉड, मुझे मुझे याद भी नहीं है कि जो आपने अभी देखा कि यहाँ पे झूले लग रखे हैं और आई थिंक कुछ वो भी होने वाला है, प्रोग्राम भी होने वाला है, सीट्स लगा रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। या सो बहुत कुछ होने वाला है और मैं तो बहुत एक्साइटेड, और स्पेशली एक बहुत बड़ा झूला होता है, बहुत बड़ा झूला होता है, तो उसमें तो हम लास्ट टाइम, मुझे याद भी नहीं, मैं भाई और उमा दी हम सब थे, भाई इवन डर गया था, लिटरली बहुत ऊँचा होता है, और हम आ रहे थे तो मैंने तभी देखा वहाँ पे, मेरे को ओ माय गॉड मुझे इसमें जाना है, नहीं आओ मुझे जाना है।
तो आपको और ब्लॉग मिलने वाला है शायद, तो बहुत अच्छा होगा। और सुबह तू बता, वैसे इसलिए मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मतलब कि चलते हैं जी यार मंदिर चलते हैं, मैंने कहा चल लेते हैं और हम थोड़ा ब्लॉग भी कर लेंगे और थोड़ा देख भी आएंगे, बट ओ माय गॉड बहुत सुंदर हो रहा है, तो हम थोड़ा बहुत देखते हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं घर और आसुबी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी शूट करने में, कोलैब शूट था, सो लाइक उसने थ्रू आउट मेरी शूट मतलब वो करा, पूरा कैमरा पकड़ा, अच्छे से हेल्प करी। सो उसके लिए एक ट्रीट मैंने उसको दिया भी, चाउमीन कुछ हो रही है तो चाउमीन थी मैंने उसको। अब हम घर चलते हैं और बस घर पे, और बहुत अच्छा मंदिर सज रखा था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। वैसे मैंने कुछ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था कि वहाँ पे पूरा डेकोरेशन होगा और प्रोग्राम होगा, वहाँ पे झूले भी लग रखे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो मैं तो प्लान कर रही कि शायद हम अब कल या परसों जाएंगे वहाँ पे, और बहुत अच्छा, तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी क्या हो रहा है वहाँ पे। और अब मैं आ चुकी घर पे, मैंने सुबह को दी है ट्रीट, ऐसे कर रखी है पूरी, और उसने आज बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी एक शूट में, कोलैब शूट में, सो इसलिए मैंने कहा उसको कुछ तो देना बनता है। अब बस हम कितनी खुश हो रही है तो बस अब मैं एंड करती हूँ व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर, सुन रहे सब पता है इसको क्या बोलना है, तो सब कुछ कर देना लाइक कमेंट शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो, टिल देन बाय।